ऑक्सीडाइजेशन। आज का जो हमारा एल्केन में हम स्पेशली टॉपिक एक पढ़ेंगे छोटा सा, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन को एक नाम और दे दिया जाता है, हाइड्रो फार्मिंग। एरोमेटाइजेशन का एक अगेन नेम क्या हम कह सकते हैं, हाइड्रो फार्मिंग, या एक और इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम होता है कैटालिटिक रिफार्मिंग। इसके टोटल एरोमेटाइजेशन के दो और इसके नाम हैं। एरोमेटाइजेशन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रो फार्मिंग, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कैटालिटिक रिफार्मिंग। एरोमेटाइजेशन में स्पेशली हम आपको रूल बताएंगे, लास्ट में हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। आप हमारे पूरे वीडियो देखिए, हमने इस वीडियो में इसके पहले वाले एक हम 59 वीडियो बना चुके हैं, उसमें क्या होगा, हमारा स्पेशली नेम रिएक्शन है जो एग्जामिनेशन में, चाहे आप नीट के एग्जाम में हो चाहे आप IIT के एग्जाम में, हमने देखा नेम रिएक्शन कई बार पूछे जाते हैं, वही बार बार रिपीट होता है, इसलिए हमने प्ले लिस्ट पर आप हमारे जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा 59 वीडियो हमने स्पेशली नेम रिएक्शन को ही पढ़ाया है। आप वहाँ से उसको कंटिन्यू अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा इसमें कांटेक्ट नंबर है, आप उससे हमें तुरंत पूछ सकते हैं एनी टाइम, जैसे 6 o'clock के बाद आप चाहे जब हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एरोमेटाइजेशन में स्पेशली क्या होगा, हम आपको रूल बताते हैं। रूल में क्या होगा, हम एल्केन लेंगे, हमारा ये कहता है रूल, आप क्या लीजिए एल्केन। अब एल्केन कितने कार्बनों से, 6 कार्बन से लेकर 10 कार्बन के बीच में होना चाहिए। रूल हमारा ये कहता है एरोमेटाइजेशन में कि एक एल्केन से किस तरह हम बेंजीन बनाते हैं, वो हमें एरोमेटाइजेशन ही बताता है कि एक एल्केन से किस तरह हम एक रिंग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, या बेंजीन बना सकते हैं या उसके कोई होमोलागस कंपाउंड जैसे टालविन हम बना सकते हैं। क्या आप लेंगे, एल्केन लेंगे। एल्केन कितने कार्बन होना चाहिए, 6 से लेकर के 10 कार्बन तक होना चाहिए। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, क्रोमियम ऑक्साइड हो या क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, Cr2O3 और Al2O3, इनका प्रेजेंस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लेंगे, एल्केन लेंगे, 6 से लेकर के 10 कार्बन के बीच में होना चाहिए, 6 हो या 10 उनके बीच में, न उससे कम हो न उससे ज़्यादा। एल्केन कितना हम लेंगे, 6 to 10 कार्बन के बीच में होना चाहिए, या 6 हो सकता है या 10 के बीच में हो। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, Cr2O3 Al2O3, इन द प्रेजेंस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस हम लेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा जो भी बनेगा बेंजीन या इट्स होमोलागस प्लस हाइड्रोजन। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो बेंजीन बन सकता है या उस बेंजीन रिंग का होमोलागस बन सकता है। तो क्या होगा, बेंजीन बन सकता है या अदरवाइज इट्स होमोलागस, जैसे बेंजीन का होमोलागस हम बता सकते हैं उससे मिलता जुलता टालविन, अगर रिंग पे हम CH3 लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट टालविन, बेंजीन बना सकते हैं या अदरवाइज होमोलागस प्लस होमोलागस ऑफ रिंग कह सकते हैं, या इट्स होमोलागस बन सकते हैं प्लस 4 हाइड्रोजन। हम आपको एग्जांपल बताते हैं, क्या आप एग्जांपल लेंगे, जैसे C6H6, क्या आप लेंगे, C6H14, ये हमारा एल्केन हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड
600 डिग्री सेल्सियस। देखिए C6H14 तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन C6H6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 4 हाइड्रोजन। देखिए हमने क्या लिया था, C6H14। एल्केन यहाँ पर कार्बन संख्या कितना है, टोटल 6 है। देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ Cr23Al23 एंड 600 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन C6H6। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, बेंजीन। प्लस साइड में क्या बनेगा, 4 हाइड्रोजन। अब हम आपको एग्जांपल एक और बताते हैं। ये तो हम आपको बेंजीन बना दी, देखते हैं इसके होमोलॉगस क्या बन सकते हैं। अब क्या लेंगे हम, C7H16। क्या लेंगे, C7H16 इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड 600 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C7H16 लेंगे, Cr23Al23 600 डिग्री सेल्सियस इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा C6H5CH3 प्लस 4 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, टॉल्यूइन। देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एक बार हम आपको आगे रिकॉल करवाते हैं। C7H16 लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड 600 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, टॉल्यूइन। जो देखिए होमोलॉगस दर्शा रहा है C6H5CH3, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, टॉल्यूइन, प्लस साइड में क्या बनेगा, 4 हाइड्रोजन। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एल्केन का एक दूसरा छोटा सा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे।